अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो दुनिया की उन अहम तरीन इजादात के बारे में है जिन्होंने अपने ही बनाने वालों की जाने ले ली। इजादात और तखलीक कुदरत की जानिब से अता की गई जहानत के साथ साथ अंथक मेहनत, रियाजत और बेशुमार जागती रातों और बे आराम दिनों के बाद सामने आती हैं। अगर ये इजादात नस्ल इंसानी के लिए फायदा मंद हो तो दुनिया के हर शख्स की जिंदगी बदल सकती है। ताहम तखलीक का ये अमल कुछ लोगों के लिए मौत का पैगाम भी साबित होता है। एक तहकीककार, चाहे वो साइंसदान हो, शायर हो, मुसव्विर हो या मुसन्निफ हो, उसके लिए उसकी तखलीक बहुत अजीज होती है। लेकिन दुनिया में ऐसे बदकिस्मत लोग भी गुजरे हैं जो अपनी ही तखलीक करदा इजाद के हाथों मौत का शिकार हुए। आइए ऐसे ही चंद लोगों के बारे में जानते हैं। रेडियम। रेडियम मैरी नामी एक खातून की दरियाफ्त है जिन्होंने तवील अरसे तक इस पर तहकीक की और इस दरियाफ्त पर दो नोबेल इनाम की हकदार ठहरी। ताहम 1934 में वो तवील अरसे तक तापकार शवाओं की जद में रहने के बाद एक खतरनाक बीमारी का शिकार हुई और यूं वो अपनी जिंदगी की बाजी हार गई। एरोवैगन। एरोवैगन नामी गाड़ी को बनाने वाले का नाम बिलेरियन था जो 1921 में अपनी इजाद करदा गाड़ी की पहली आजमाइश के दौरान हलाक हो गया था। एयरक्राफ्ट के इंजन पर चलने वाली गाड़ी पहले तजर्बे के दौरान उस वक्त उलट गई थी जब वो निहायत तेज रफ्तारी से दौड़ रही थी। पैराशूट सूट। एक ऑस्ट्रेलियाई शहरी जिसका नाम फ्रांस था, उसने 1912 में पैराशूट सूट इजाद किया था। इसका मकसद पायलटों की जान बचाना था जो त्यारे के किसी हादसे का शिकार होने के बाद त्यारे से छलांग लगाना चाहते हो। पैराशूट सूट मुकम्मल होने के बाद इसकी आजमाइश के लिए आईफिल टावर का इंतखाब किया गया था। उस मौका पर मीडिया को भी दावत दी गई थी। ताहम बदकिस्मती से पहली आजमाइशी उड़ान ही बुरी तरह नाकामी से दोचार हुई थी और पैराशूट सूट इजाद करने वाला अपने पैराशूट में फंसकर जान से हाथ धो बैठा था। टाइटैनिक। ये 1912 की बात है जब टाइटैनिक जहाज एक ग्लेशियर से टकराकर खौफनाक हादसे का शिकार हुआ था। उस हादसे में वो इंसान भी शामिल था जिसने टाइटैनिक बनाया था। वो टाइटैनिक जहाज का चीफ डिजाइनर था। उसका नाम थॉमस एंड्रयूज था। वो उस वक्त समंदर के सर्द पानी में डूब गया था जब वो लाइफ बोट में बैठने के लिए लोगों की मदद कर रहा था। जदीद प्रिंटिंग मशीन। जदीद प्रिंटिंग का बानी एक विलियम नामी शख्स था जो अपनी ही बनाई हुई प्रिंटिंग मशीन में आकर अपनी टांग कटवा बैठा था। वो 9 दिन तक हॉस्पिटल में जेरे इलाज रहने के बाद इस दुनिया से रुखसत हो गया था। वहशतनाक सजा। एक चीनी शख्स ली सी की जानिब से कैदियों को सजा देने के लिए एक इंतहाई तकलीफ दे और अजियतनाक तरीका इजाद किया गया था। वो तरीका इतना भयानक था कि तकलीफ की ताब न लाकर कैदी हलाक हो जाते थे। ताहम उस वक्त के बादशाह का हुक्म न मानने के जुर्म में लीसी को भी उसी के इजाद करदा सजा देने के वहशतनाक तरीके के मुताबिक सजा का हकदार करार दिया गया और हजारों लोगों की अजियतनाक मौत का सबब बनने वाला ये शख्स खुद भी इसी तरीके से मौत का शिकार हुआ।